हेलो फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जब हम दूसरी स्टेट में से गुड्स परचेज करके लेके आते हैं, रेगुलर डीलर से टैक्सेबल गुड्स परचेज करते हैं, तो हम कैसे टैली के अंदर अकाउंट्स ओपन करते हैं और एंट्रीज डालते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आपने अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाना है, हमें लेजर क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले हम ये लेजर अकाउंट्स इन्फो में जाके क्रिएट करेंगे, फिर लेजर के अंदर जाएंगे और फिर क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा लेजर क्रिएशन ओपन, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज की हमने इंटर स्टेट परचेज की है, यानी कि जब हम दूसरी स्टेट से गुड्स खरीद के लेके आते हैं, इंटर स्टेट परचेज एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी। तो ये हम क्रिएट करेंगे कि हमने ये जो गुड्स परचेज की हैं वो 12% जीएसटी की गुड्स परचेज की हैं। अगर 18% की गुड्स परचेज की हैं तो 18% का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, इंटर स्टेट परचेज एट द रेट ऑफ 18%। ऐसे ही अगर 28% की हैं तो 28% क्रिएट कर लेंगे। तो अंडर खोलेंगे इसको हम परचेज के अंडर, क्योंकि हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करना है, इज जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड देना है, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने रेगुलर डीलर से परचेज की है, दूसरी स्टेट में से गुड्स परचेज की है, टैक्सेबल गुड्स परचेज की है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो दूसरी स्टेट से रेगुलर डीलर से टैक्सेबल गुड्स, तो आपने इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करना है, चाहे वो रेट कोई भी हो, 12%, 18%, 28%, और उसके बाद यहाँ पे आपने रेट डालना है। जैसे हम यहाँ पे ये 12% की गुड्स क्रिएट कर रहे हैं, रेट वाली परचेज अकाउंट क्रिएट किया है हमने, तो ये 12% डाल दिया हमने, और ये सप्लाई टाइप गुड्स सेलेक्ट करेंगे। ऐसे हम ये इंटर स्टेट परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, और हम इनपुट टैक्स इसके ऊपर पे करेंगे, इनपुट IGST, क्योंकि बाद में हमें ये रिफंडेबल है, क्योंकि हम भी टैक्सेबल डीलर हैं और बाद में हमें ये रिफंड हो जाएगा, इसीलिए हम इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 12% अकाउंट ओपन करेंगे। इसके बाद इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ओपन करेंगे, और टाइप ऑफ ड्यूटी हम जीएसटी के अंदर देंगे इसको, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपने ये इनपुट IGST का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो टाइप टैक्स टाइप आपने इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करना है, ये अपने बात ध्यान रखनी है, और हम क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। मान लेते हैं लांबा ट्रेडर्स से हमने ये गुड्स खरीदी है, जो दूसरी स्टेट में बिजनेस करते हैं, सन्डरी क्रेडिटर जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, बिल बाय बिल अगर आप यस करना चाहते हैं यस कर सकते हैं, अदर डिटेल आप डालते जाइए। मान लेते हैं हमारा बिजनेस पंजाब में है और हमने ये गुड्स जो खरीदी हैं उत्तर प्रदेश से हमने ये गुड्स खरीदी हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से गुड्स खरीदी हैं, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करेंगे। यहाँ पे ये रेगुलर डीलर है और इसका हम यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इसका जीएसटीएन नंबर, ये है इसका 29 जीएसटी नंबर है, कोड नंबर जो दिया गया है जीएसटीएन की तरफ से, तो वो कोड नंबर हम उसका यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ये अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये, आपने बाकी जो जीएसटीएन नंबर सही करके डाल लेना है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है इसमें तो आप अपने आप सेट कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर, ये हमारे अकाउंट ओपन हो गए हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर परचेज के अंदर हम F9 के अंदर परचेज की एंट्री डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम सप्लायर का बिल नंबर डालेंगे, और जो सब बिल के ऊपर सप्लायर ने डेट डाली होगी जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, वो बिल नंबर की डेट यहाँ पे डाल देंगे, और पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लांबा ट्रेडर से परचेज की है, और यहाँ पे फर्दर डिटेल जो डालना चाहते हैं डाल सकते हो। टाइप ऑफ डीलर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने ये रेगुलर डीलर से गुड्स खरीदी हैं और ये इंटर स्टेट परचेज हुई है, 12% के ऊपर हमने जो परचेज की है। अगर 18% पे परचेज की होगी दूसरी स्टेट से तो उसका अलग से अकाउंट ओपन करना आपको आता है, इंटर स्टेट परचेज का आप क्रिएट कर लोगे। जैसे हमने ये 12% का किया है, और यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम हमने दूसरी स्टेट में से परचेज की है, लोकेशन कहाँ पे हम ये गुड्स रखेंगे, और यहाँ पे ये हमने अमाउंट डाल दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड में आपने सारी आइटम डालने के बाद इनपुट टैक्स लगाना है, इनपुट
IGST, तो याद रखना है जब हम दूसरी स्टेट से गुड्स परचेज करते हैं, रेगुलर डीलर से परचेज करते हैं, टैक्सेबल गुड्स परचेज करते हैं, उसको हम IGST पे करते हैं। तो ये हमने उसको IGST पे किया और ये बिल नंबर डाल के एंट्री को सेव कर लेंगे। तो ऐसे जितनी भी एंट्रीज है आपने इसी तरीके से जब हम दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं, चाहे 12% पे हो, 18% पे हो, 28% पे, 5% पे, जो भी रेट हो, IGST जो आपने पे की है वो अकाउंट ओपन करके आपने यहाँ पे एंट्री को डाल देना है। और आपने ये परचेज की है, इसकी डिटेल आप देख सकते हो स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर कि जो डिटेल हमने गवर्नमेंट को भेजनी होती है, GSTR2 फॉर्म भरकर हमने भेजना होता है, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये डिटेल मिलेगी। बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के अंदर, यानी कि जितनी भी हम ये टैक्सेबल गुड्स परचेज करते हैं, चाहे वो विद इन द स्टेट परचेज करें, चाहे हम दूसरी स्टेट में से परचेज करें, उसकी डिटेल हम इस बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के अंदर डालते हैं। जैसे कि देख सकते हो ये हमारी एंट्री आ गई है यहाँ से कि हमने लंबा ट्रेडर से गुड्स परचेज किए हैं, GSTN नंबर उसका, और ये वाउचर टाइप और अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट यानी के जिसके ऊपर टैक्स लगा, इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि ये इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब हमने दूसरी स्टेट से गुड्स परचेज की हैं और उसके ऊपर ये टैक्स पे किया है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के अंदर GSTR2 जो फॉर्म होता है उसके अंदर ये सारी परचेज की डिटेल हम भरकर हर महीने रेगुलर डीलर को गवर्नमेंट को सबमिट करवानी होती है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही रहेगा, बाकी डिस्कशन अगले टॉपिक के अंदर हम करेंगे।